मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान भाजपा को सद्बुद्धि दे, साथ ही बीजेपी को किसानों के साथ खड़े रहना चाहिए, न कि मामले में राजनीति करना चाहिए। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब यूपीए सरकार ने खुद राज्य को बोनस दिया था। यूपीए सरकार ने खुद बोनस दिया है, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने न खुद बोनस दे रहे हैं और जो राज्य बोनस देना चाहते हैं उस पर रोक लगा रहे हैं। रमन सिंह की सरकार थी, उसी समय प्रतिबंध लगा, वो पत्र भी दबा दिए थे और धान भी खरीदना कम कर दिए थे और साथ ही बोनस देना बंद कर दिया। हमारे सरकार के समय भी पिछले समय अनुमति दी थी, अभी रोक लगा दिया है। आज हमारी सरकार है वो 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदना चाहती है और किसानों के साथ न्याय करना चाहती है। हम किसानों के साथ खड़े हैं।